आप जानते हैं हमारे देश के किसान को किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है? पहले वो भुखमरी का शिकार होता है, कई बार उसे आत्महत्या भी करनी पड़ती है, और उसके बाद जब वो अपनी मांगों के साथ सड़क पर उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रचार तंत्र उसे देशद्रोही, उसे खालिस्तानी तक बता देता है। देश का किसान सड़क पर है। मैं ये मुद्दा आज आपके सामने नहीं लेकर आ रहा हूं कि उसकी मांग जायज है या नहीं। जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो बहुत मायने रखता है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, एक न्यूज चैनल ने कल किस तरह से किसान के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया। आपके स्क्रीन पर यह स्क्रीनशॉट, खालिस्तान के निशाने पर अन्नदाता, पंजाब हरियाणा के किसानों को खालिस्तान ने मोहरा बनाया। यानी कि अगर कोई जवाब ना मिल पाया तो प्रचार तंत्र के जरिए किसान को खालिस्तान समर्थक बता दो या खालिस्तान का मोहरा बना दो। किसान का बेवकूफ है कि वो इस तरह से खालिस्तान का मोहरा बन जाएगा। दोस्तों, इत्तेफाकन इस चैनल के जो मालिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत करीब हैं, इस कदर करीब हैं कि कायदे से तो उन्होंने न्यूज चैनल के बिजनेस में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो किसी राजनीतिक दल से इतना करीब है उसे पत्रकारिता और उसे न्यूज चैनल्स में होने का कोई हक नहीं।